कश्मीर मीडिया सर्विस की रिसर्च सेक्शन की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी के दौरान शहीद होने वाले 1427 कश्मीरी बाशिंदों में स्कॉलर्स और आला तालीम याफ्ता नौजवान भी शामिल हैं। जनवरी 2014 से रवां साल 30 जून तक शहीद होने वाले कश्मीरियों में 122 लड़के और 31 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 114 कश्मीरियों को भारतीय फौजियों ने दौरान हिरासत और जाली मुकाबलों में शहीद किया। भारत के वजीर मुमलिकत बराए दाखला जी किशन रेड्डी ने खुद लोकसभा में गुफ्तगू के दौरान तस्दीक की है कि 5 वर्ष के दौरान भारतीय फौजियों ने मकबूजा कश्मीर में 960 से जायद कश्मीरियों को शहीद किया। हुर्रियत क़यादत का कहना है कि भारतीय वजीर का बयान मोदी सरकार का एतराफ़ जुर्म है और ये आलमी बिरादरी की आंखों को खोलने के लिए काफी है। उधर जिला कोलगाम में भारत के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर काबिज फोर्सेस की तरफ से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से मुतद्दिद अफराद जख्मी हो गए। फौजियों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और पैलेट गन्स का भी बेदरेग इस्तेमाल किया। भारतीय फौजियों ने बारामूला के इलाके केरी और कपवाड़ा के इलाके करालकंड में भी तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया।